आज के दौर में ऐसे भी कहानी देखने व सुनने को मिलती है जिससे आंखों में नमी के साथ साथ आज के युवा वर्ग को शर्म भी आएगी। दरअसल आज पत्रकार दलगांव रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे, तभी अचानक उस पत्रकार की नज़र उस सज्जन की ओर पड़ती है जो दलगांव स्टेशन के एक कोने में बैठे हुए थे। देखकर अनुमान लगाया जा रहा था वह बुजुर्ग व्यक्ति अच्छे घर से है। पत्रकार के मन में कई सवाल थे, क्या उनसे पूछा जाए या ना। यह सवाल पत्रकार के मन में इसीलिए आई क्योंकि आज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने की एक होड़सी लगी है। इसी बीच ऐसे प्रश्नों का उठाना थोड़ा अजीब सा लगा, मगर अचानक वह पत्रकार निर्णय लिया, फिर उस सज्जन से पूछा, आपकी समस्या क्या है। उन्होंने क्या बताया यह सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने बताया वह इसी जिला के बारहवीसा के रहने वाले हैं। उनके दो पुत्र हैं और वह दोनों अच्छे पद पर है, मगर अब उन्हें अपने बूढ़े पिता की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वह अपने घर में रह नहीं सकते। बात करने से पता चलता है कि वह एक पढ़े लिखे सज्जन है। उन्होंने बताया, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ भटक रहा हूँ, मेरे बच्चे ने घर से निकाल दिया है, इधर उधर भटककर गुजारा चला रहा हूँ। इधर इस विषय की जानकारी विधायक को मिलती है, फिर क्या था, विधायक उनसे मिलने रेलवे स्टेशन चले गए। मदारीहाट विधायक मनोज जी का उनसे मिले, तब उस बुजुर्ग ने बताए उन्होंने उनकी स्थिति पर देखने व सुनने वाला कोई नहीं है। बाड़ी को था इधर बारहवीसा। एर आगे आपने की करते हैं? पहला सेल्टेक्स काज करता हूँ, मेरे बाद दूसरी पैरालिसिस हो रहा है। कोथा काज करते हैं? सेल्टेक्स से कौन जगह? बारहवीसा सेल्टेक्स से। आपनार छेले कोटा? दुईटा छेले। की नाम छेले नाम? पिकलू घोष आर एक विशाल घोष। कोथा है बाड़ी? उन्हें विशाल घोष ना अभिषेक बारहवीसा। উনি কি করেন আপনার ছেলে? ব্যাংকে চাকরি করে, স্টেট ব্যাংকে চাকরি করে। তাহলে আপনি এইখানে যে এটা ভিক্ষা করে খাচ্ছেন, ঠিক আছে, কত বছর থেকে? দুই বছর থেকে। কোনো আপনার ছেলে কি অসুবিধা আপনার? কষ্ট নেই না, কামাই করে পয়সা দিতে পারি না, দেখে না। ও আপনি এই বয়সে কামাই করে দিতে পারতেছেন না, সেই জন্য দেখে না। তাহলে আপনার খোঁজ নিতেও আসে না? ওরা বাড়িতে কে কে আছে? সবাই আছে। সবাই বলতে গেলে? দুই ছেলে মেয়ে। হ্যাঁ, বউ। কেউ আসতেছে না আপনার? কেউ আসতেছে না, খোঁজেই নেয় না। আপনার কি কি অসুবিধা আছে? হাত পা প্যারালাইসিস, সুগার হ্যাঁ সুগারও আছে, হাত পা প্যারালাইসিস আছে, হাই প্রেশারও আছে। আর এইখানে কি করে মানে কি করে জীবনে যাপন করতেছেন আপনি? ভিক্ষা করি, খাই হোটেলে আর স্টেশনে ঘুমাই। অশান্তি করে কি বাড়িতে আপনাকে খাওয়া পড়া দেয় না নাকি? বলে কি বলছে আপনাকে, আপনি আসলেন কেন? বাড়িতে পয়সা না দিতে বললে আপনাকে থাকতে দেবেন না, তাই তো? আপনার কি ইচ্ছা, আপনি বাড়ি যাবেন না? কতদিন থেকে আপনি বাড়ির থেকে বাইরে? দুই বছর থেকে। আপনার এই হাতটা কি স্ট্রোক হয়েছিল আপনার? অসুস্থ? আপনাকে এই স্টেশনে কতদিন থেকে থাকেন আপনি? স্টেশনের নাম কি জানেন? জলগাঁও। খাওয়া পড়া কি দেয় আপনাকে এখানে? ভিক্ষা করে খান।